हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और आज की इस नई वीडियो में। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से घर बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, मुझे यहाँ पर दो क्रेडिट कार्ड्स के अप्रूवल मिले थे, जिनमें से मैंने लिया है इजी क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया और मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिला है लाइफ टाइम फ्री। कैसे आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब भी कोई बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देती है तो इसका मतलब होता है कि ये बेस्ट टाइम है उस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का, क्योंकि वो भी बैंक क्रेडिट कार्ड अपने बांटना चाहती है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। सो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। मैंने वहाँ पर आपको लिंक दिया है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, मोबाइल या कंप्यूटर कहीं पर भी आप ओपन कर सकते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस चलाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डालनी होगी अपनी पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पर सबसे पहले आपसे ये पूछता है आपका टाइटल, मिस्टर या मिसिज जो भी आपका टाइटल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है, वही डिटेल्स यहाँ पर डालिएगा, अपना फर्स्ट नेम डालिएगा। उसके बाद मिडिल नेम ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट नेम डालना होगा, अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में लास्ट नेम नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद आपको डालना होगा अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको डालना होगा अपना एरिया पिन कोड जहां पर आप रहते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका पैन कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको बतानी होगी अपनी नेशनलिटी, जहां पर रेजिडेंट इंडियन पहले से ही सिलेक्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती है, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सीधा जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यहां पर डालते हैं उस पर एक ओटीपी चला जाता है, वो ओटीपी आपको यहां बॉक्स में फिल कर देना होगा। इसके बाद आपको यहां से सीधा वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, इस पेज पर आपको डालनी होगी अपनी वर्क डिटेल। जब भी आप किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वर्क डिटेल ही डिसाइड करता है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान से डालनी होती है। यहां पर सबसे पहले आपसे पूछता है ऑक्यूपेशन, मतलब आप करते क्या है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिल जाए तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। आप कोई खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद साइड में देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपकी एनुअल इनकम, मतलब आपकी सालाना कितनी कमाई हो जाती है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि क्या आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, जो ये अलग अलग ब्रांड्स के साथ टाई अप करके बनाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर जाऊँगा रेगुलर क्रेडिट कार्ड के लिए, तो मैं यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है आई विल टू गो फॉर अनदर क्रेडिट कार्ड, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद नीचे देखेंगे एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपका अकाउंट वगैरह हो तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे ये भी पूछता है कि आपके पास पहले से किसी और बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो जरूर उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिएगा, फिर काफी आसान हो जाता है आपको क्रेडिट कार्ड मिलना। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, सबसे पहले आप बताएंगे अपना परमानेंट एड्रेस, तो वो यहाँ पर आपको ऊपर डालना होगा, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं पिन कोड सहित। आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे आपसे मांगा जाता है आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको ये जरूर डालने हैं जो आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स हैं, ये आपको जरूर यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे आपसे पूछता है ये आपका करंट एड्रेस, करंट एड्रेस आपको अपना पूरा डाल देना होगा जहाँ पर आप अभी रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर दीजिएगा, जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर इसको मोबाइल से कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिर वीडियो के वाई सी भी कंप्लीट करनी है। आप देखेंगे इसके बाद आपसे ये पूछेगा आपकी बिजनेस की डिटेल, मतलब आप करते क्या है उसकी डिटेल आपको बतानी होगी, जो भी आपके बिजनेस का नेम है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस कंपनी का नेम या फिर बिजनेस का नेम आपको यहां पर बताना होगा, उस कंपनी में आप किस पद पर काम करते हैं वो आपको यहां पर डेजिग्नेशन में बताना होगा। उसके बाद ये भी बताएंगे कि कितने सालों से आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे वर्क डिटेल का जो एड्रेस है, आपके वर्क एड्रेस है, वो भी यहां पर आपको बताना होगा। उसके बाद आप यहां से सीधा कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं मुझे यहां पर अप्रूवल मिला है 2 क्रेडिट कार्ड्स के लिए, पहला था यहां पर इजी, उसके बाद था यहां पर सेलेक्ट।
तो मैं यहाँ पर लूँगा ईजी क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंड चार्जेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे आप देखेंगे दोनों क्रेडिट कार्ड्स की अलग अलग यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है, और आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड्स को लाइफ टाइम फ्री भी बना सकते हैं। उसकी कंडीशन यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कैसे आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो भी क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी कुछ और पर्सनल डिटेल देनी होगी, जहाँ पर सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है। इसके बाद आपकी अदर एजुकेशन, जो भी आपकी अदर एजुकेशन है वो बता सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका नेम है, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड पर नाम प्रिंट कराना चाहते हैं वो नेम यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका मदर नेम है, उसके बाद आपका फादर नेम है। इसके बाद आपको देना होगा प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस। इसका मतलब होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आप किस एड्रेस पर डिलीवर कराना चाहते हैं, अपने ऑफिस एड्रेस पर या फिर आपके घर के एड्रेस पर, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इस पेज पर आएंगे, इस पेज पर आपको बताना होगा कि आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हैं। मुझे तो नहीं चाहिए, मैं इसको नो करूंगा और यहाँ से सबमिट करूंगा। इसके बाद इस पेज पर आएंगे, इस पेज पर भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ से नो करेंगे आपके सामने सबमिट का बटन आएगा, आप इसको भी सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप में आप आ चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा और आपको एक इनकम प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपना अपलोड कर देना होगा जो आप गैलरी से इजीली अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है इनकम प्रूफ में देना होगा ITR अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट किया था, और ऐसा भी हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ न मांगा जाए। मेरा यहाँ पर सिविल काफी खराब हो चुका था, इसलिए मुझसे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांगा गया। जैसे मैंने इनकम प्रूफ यहाँ पर दे दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। इसके बाद मुझे यहाँ पर आधार ई साइन करना होगा। आधार ई साइन के लिए इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, नीचे आप देखेंगे प्रोसीड का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। साइन डॉक्यूमेंट का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालकर नीचे सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ बॉक्स में डालना है और आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट ई साइन हो जाएंगे। आप देखेंगे थैंक यू का पेज मेरे सामने आ गया, मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन ID जनरेट करके मिल गया। ऐसा भी हो सकता है आपके सामने सीधा ही वीडियो KYC का भी बटन आ जाए, आपको वीडियो KYC अभी कंप्लीट करना होगा, या फिर आपको वीडियो KYC का लिंक बाद में मेल ID पर भी आपकी मिल जाएगा। जैसे आपको लिंक मिल जाता है आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी, जिसमें आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। जैसे आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है और आपको एक हफ्ते के अंदर क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर मिल जाता है। सो ये पूरा तरीका है बैंक ऑफ बड़ौदा से क्रेडिट कार्ड लेने का, लिमिट आपको पहले ही पता लग जाती है। सो आई होप पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।